अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने रिक्रूटमेंट को डिस्कस किया था, तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि सिलेक्शन है। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का डिफरेंस भी देखेंगे कि इनमें आपस में डिफरेंस क्या होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसके बेसिकली कंटेंट्स देख लेते हैं जिसको आज हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले सिलेक्शन, व्हाट इज़ सिलेक्शन, सिलेक्शन क्या होती है। उसके बाद देखेंगे डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, और उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ सिलेक्शन, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस को, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ सिलेक्शन, सिलेक्शन क्या होती है। व्हाट इज़ सिलेक्शन, बेसिकली किसी भी प्रोसेस को इतने सादा पूल ऑफ कैंडिडेट्स में से एक अच्छा कैंडिडेट, राइट पर्सन जॉब के लिए चूज़ करने का जो प्रोसेस होता है उसको आप सिलेक्शन कहते हैं। इसका अगर मीनिंग को देखें तो सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ पिकिंग अप इंडिविजुअल्स फ्रॉम द पूल ऑफ जॉब एप्लीकेंट्स अलोंग विद रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड कॉम्पिटेंस टू फिल द जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो वी कैन से दैट एक प्रोसेस होता है जिसमें से बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स में से आपकी रिक्वायर्ड स्किल्स और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग एक पर्सन को चूज़ करने के प्रोसेस को आप सिलेक्शन कहते हैं। आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक राइट पर्सन को हायर करना है, उसके लिए जो प्रोसेस होगा, बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स आपके पास अप्लाई करते हैं, उसमें से एक रेलिवेंट पर्सन को चूज़ करने का जो प्रोसेस है उसको आप सिलेक्शन कहते हैं। तो आई एम फॉर्मली हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस की डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन इसकी है, सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन एप्लीकेंट्स इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एंड हायर दोज विद अ ग्रेटर चांसेस ऑफ सक्सेस इन अ जॉब। सिलेक्शन एक प्रोसेस होता है डिफ्रेंशिएट करने का, एप्लीकेंट्स को आइडेंटिफाई करने का, उसको हायर करने का, ताकि उसको जॉब पे उसके चांसेस इंक्रीज हो सकें। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट डिस्कस करना है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन की इम्पोर्टेंस बेसिकली क्या होती है। तो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं इट सेव्स मैनेजमेंट कॉस्ट रिक्वायर्ड इन रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। ये सबसे पहला काम तो ये करता है कि मैनेजमेंट की कॉस्ट को सेव करता है। सिलेक्शन का एक ऐसा प्रोसेस है, जब आप इस प्रोसेस से गुजरते हैं तो आपको जो बहुत ज़्यादा लोग आपके पास अप्लाई करते हैं, उसके बाद फिर आपने उन जो पर्सन को हायर करेंगे उनकी ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है। तो जब आप स्पेसिफिक कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपके जो बाकी के लोग होंगे उस पर जो टाइम कंज्यूम होगा, जो आपके रिसोर्सेज कंज्यूम होंगे वो बच जाएंगे। उसके बाद आपके पास आ जाता है इट सेव्स मैनेजमेंट टाइम एंड रिसोर्सेज स्पेंड फॉर कैंडिडेट्स। ये मैनेजमेंट का जो टाइम है उसको भी सेव करता है, जो कैंडिडेट्स पे स्पेंड किया जाता है बेसिकली उसका टाइम भी सेव हो जाता है। उसके बाद राइट कैंडिडेट फॉर राइट जॉब इंक्रीज वर्क क्वालिटी एंड कंपनीज ग्रोथ। अगर आप राइट, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप राइट कैंडिडेट को अपनी जॉब पे हायर करेंगे तो आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क इम्प्रूव हो जाएगी और जो कंपनी की ग्रोथ है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद राइट सिलेक्शन इंप्रूव्स कंपनीज ओवरऑल परफॉर्मेंस। इफ़ यू आर गोइंग टू द राइट सिलेक्शन, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, डेफिनेटली योर परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनीज, ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी इंक्रीज हो जाएगी, वो परफॉर्मेंस भी उसकी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस में बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपके पास स्टेप्स इन सिलेक्शन प्रोसेस, कि कौन से स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। देयर आर डिफरेंट स्टेप्स, वन बाय वन हम उनको डिस्कस करते हैं। आपके पास एक डायग्राम भी आपको शो हो रही होगी, इसमें है रिसेप्शन ऑफ एप्लीकेशन। ये पहला प्रोसेस होता है सिलेक्शन का, जिसमें आप बहुत ज़्यादा लोगों की, एप्लीकेंट्स की एप्लीकेशंस को रिसीव करते हैं, जिस पे कोई चार्जेस नहीं होते। लोग आपके पास अप्लाई कर रहे होते हैं, अपना बायोडाटा सबमिट करवा रहे होते हैं। उसके बाद होता है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। इसमें आप कुछ कैंडिडेट्स को, जो कैंडिडेट्स आपने रिक्रूटमेंट के जो एप्लीकेशन आपके पास आई हैं उसमें से आप कुछ को इंटरव्यू ले लेते हो कुछ का, ठीक है। बेसिक एक इंटरव्यू से गुजारते हो और जो उसमें से कुछ कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लेते हो। फिर होता है एप्लीकेशन ब्लैंक। एप्लीकेशन ब्लैंक होता है कि आप कैंडिडेट्स को फॉर्म दे देते हो वो फिल करते हैं, उसमें बायोडाटा भी हो सकता है, एजुकेशन हो सकती है, वर्क एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, वो आप कैंडिडेट से फिल करवाते हो। उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट को हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर इंटरव्यू आ जाता है, आप फाइनल एक इंटरव्यू कंडक्ट करते हो और इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एंड रेफरेंस चेक। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक्यूरेसी को चेक करने के लिए भी की जाती है, उनका बैकग्राउंड को चेक है जो आज तक जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है वो सही है या नहीं। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होती है, आप फाइनली सिलेक्ट कर लेंगे उस कैंडिडेट्स को, और फिर उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, जो आपने कैंडिडेट को सिलेक्ट किया उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन होती है। अगर इस सारे प्रोसेस में कहीं भी वो फेल होता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद आप प्लेस कर देंगे उसको राइट जगह पे जहाँ पे आपने उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लेस करना है। तो ये बेसिकली एक सारे का सारा प्रोसेस है, इसमें कहीं पे भी पर्सन रिजेक्ट होता है, वो फेल होता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसी प्रोसेस को अब हम वन बाय वन इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस हमने देखा था रिसेप्शन ऑफ एप्लीकेशन। रिसेप्शन ऑफ एप्लीकेशंस क्या होता है कि आपने पर्पस ऑफ प्री स्क्रीनिंग इज टू रिड्यूस अ पोटेंशियली लार्ज कैंडिडेट पूल टू अ मोर मैनेजेबल नंबर। रिसेप्शन ऑफ एप्लीकेंट्स, आपके पास बहुत ज़्यादा एक लार्ज अमाउंट के अंदर एप्लीकेशंस आ रही होती हैं कि लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, वो प्री स्क्रीनिंग आप बेसिकली करते हो। क्या क्यों करते हैं कि जो आपके पास हज़ारों लोगों ने अप्लाई किया है उसमें से कुछ स्पेसिफिक जो आपकी रेलिवेंट जॉब के पर्सन हैं उनको आप सेलेक्ट कर लें, मैनेजेबल नंबर में ले आएँ। उसके बाद स्क्रीनिंग इज़ कंडक्टेड बाय HR एग्जीक्यूटिव्स इन द कंपनीज। जो ये स्क्रीनिंग है ये कौन लोग कर रहे होते हैं, जो मैंने अभी बताया कि स्क्रीनिंग की जाती है वो बेसिकली HR के एग्जीक्यूटिव करते हैं, उस कंपनी के। और उसके बाद है इट इज़ अ सॉर्टिंग प्रोसेस, ये बेसिकली एक छांटने का प्रोसेस है कि अच्छे कैंडिडेट्स को अलग करने का प्रोसेस है। उसके बाद कंपनीज टेक बायोडाटा CV फ्रॉम कैंडिडेट्स, कंपनी जो है वो बायोडाटा भी ले सकती हैं कैंडिडेट से और CV भी रिक्वायर्ड कर सकती हैं। तो ये बेसिकली जो प्रोसेस है रिसेप्शन ऑफ एप्लीकेंट्स का, ये इस पे बेस कर रहा है कि ये चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं जो इसको आइडेंटिफाई कर रही होती हैं रिसेप्शन ऑफ एप्लीकेशंस को। उसके बाद हमने सेकंड स्टेप देखा था प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू क्या होता है कि जो बेसिकली आप एक पहला प्रोसेस होता है उसका सेकंड प्रोसेस होता है, उसमें आप इंटरव्यू लेते हैं कुछ कैंडिडेट्स का और उसको शॉर्टलिस्ट करते हैं। इंटरव्यू इज टेकन बाय HR मैनेजर और सीनियर HR एग्जीक्यूटिव्स टू शॉर्टलिस्ट द राइट कैंडिडेट। आप एक राइट कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए जो मैनेजेबल नंबर्स में आपने सेलेक्ट किए थे उसमें से आप उन कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेते हैं ताकि आपके पास शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स आ जाएं जो आपकी जॉब के लिए वर्क कर सकें, काम कर सकें और बेहतर साबित हों। उसके बाद है कम्युनिकेशन स्किल्स इज टेस्टेड इन इंटरव्यू। इंटरव्यू हम क्यों लेते हैं प्रिलिमिनरी, क्योंकि आप कम्युनिकेशन स्किल चेक करना चाह रहे हैं वो बोलता कैसे है, उसका एक्सेंट किस तरह का है बोलने का। उसके बाद वेरियस अदर स्किल्स लाइक बिहेवियरल नॉलेज, इंग्लिश प्रोफिशेंसी इज एनालाइज्ड। उसके अंदर बिहेवियर देखा जाता है कि इसका पास्ट में बिहेवियर किस तरह का रहा है, इसके पास नॉलेज कितना है, और इंग्लिश प्रोफिशेंसी इज एनालाइज्ड, इंग्लिश में प्रोफिशेंसी कितनी है, वो कितने अच्छे से उसको बोल सकता है, स्पीक कर सकता है, कि लैंग्वेज फ्लुएंसी कितनी है बेसिकली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसका नॉलेज भी चेक किया जाता है, बिहेवियरल जो उसका पास्ट बिहेवियर है तो उसने प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व किया इसमें चेक किया जाता है। इसके बाद आपके पास आ जाता है एप्लीकेशन ब्लैंक। एप्लीकेशन ब्लैंक क्या होता है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म इज टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट्स विच कंटेन्स बेसिक डेटा एज बिलो। एप्लीकेशन फॉर्म में जब आप एक कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेते हैं, आप उनको सेलेक्ट करते हैं तो उनको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है, एप्लीकेशन ब्लैंक फॉर्म दिया जाता है, वो बेसिकली इसको फिल करते हैं। उसमें बायोडाटा हो सकता है, एजुकेशन से रिलेटेड, वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड, और उस कैंडिडेट्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, उसका ID कार्ड, उसके पेरेंट्स के अबाउट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, उसकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये कलेक्ट की जाती है कंपनी की तरफ से। तो सबसे पहले इसमें इंक्लूड होता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसकी उसका नेम, उसके पेरेंट्स का नेम, और उसके बाद उसकी जो CNIC हो सकता है, ठीक है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में उसके MBA की है, PhD है, वो पूछा जा सकता है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, जो उसका ऑलरेडी जो उसने काम किया है उसके अबाउट उसका एक्सपीरियंस पूछा जाता है, ठीक है, कि वो उसके अबाउट के कहाँ कहाँ उसने काम किया। फिर उसमें सैलरी एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं कि वो कंपनी से डिज़र्व क्या करता है, कितनी सैलरीज वो एक्सपेक्ट करता है कंपनी से अपने काम की। और रेफरेंसेस पूछे जाते हैं, रेफरेंसेस में वो लोग होते हैं जो उसके सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं, जिसको वो जानता होता है, जहाँ से आप बाद में उस रेफरेंसेस को टैली कर सकते हैं। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेफरेंसेस का। तो ये सारे के सारे एप्लीकेशन ब्लैंक के अंदर आप चीज़ें देखते हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप है साइकोलॉजिकल टेस्ट। कुछ टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं उस पर्सन का इंटरव्यू करने के बाद। वो टेस्ट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, उसकी मेंटल एबिलिटीज़ को चेक करने के लिए भी किए जा सकते हैं, उसका नॉलेज चेक करने के लिए भी किया जा सकता है, उसके पर्सनालिटी चेक करने के लिए भी। तो वेरियस साइकोलॉजिकल टेस्ट हैज़ बीन टेकन बाय वेरियस कंपनीज एज पर देयर रिक्वायरमेंट फॉर जॉब। उस जॉब की रिक्वायरमेंट के लिए डिफरेंट तरह के टेस्ट लिए जा सकते हैं। उनमें सबसे पहला टेस्ट है आपके पास एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग स्किल्स एंड मेंटल एबिलिटीज उसमें इंक्लूड होती हैं, कि उस पर्सन एप्टीट्यूड टेस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लिया जाता है। ये साइकोलॉजिकल टेस्ट कंपनीज खुद भी अरेंज करवाती हैं और किसी थर्ड पार्टी से भी ये टेस्ट अरेंज करवा सकती हैं, ठीक है। जिस तरह से आपने देखा होगा एनटीएस के टेस्ट होते हैं, गैट के टेस्ट होते हैं, सो ऑन। इस तरह के डिसीजन मेकिंग स्किल चेक की जाती हैं कि इस पर्सन में डिसीजन लेने की पावर कितनी है, कितनी जल्दी अपने डिसीजंस को ले सकता है। और मेंटल एबिलिटीज़ भी चेक की जाती है, उसका माइंड किस कदर स्ट्रांग है। फिर उसके बाद हम इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करते हैं। इंटेलिजेंस ही उसकी चेक करने के लिए कुछ टेस्ट लिए जाते हैं, दैट इज़ द लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन स्किल एंड बेसिक लैंग्वेज स्किल। इस टेस्ट के अंदर लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाती है, लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि उसकी एबिलिटी को चेक किया जा सकते हैं, डाटा को इंटरप्रेट करने के लिए उसके पास किस तरह की स्किल्स हैं। और लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट है। पर्सनालिटी टेस्ट में इमोशनल स्टेबिलिटी, इंटरपर्सनल स्किल्स, एबिलिटी टू वर्क इन अ ग्रुप, वो टीम वर्क किस तरह से कर सकता है, कितना अच्छा से टीम वर्क कर सकता है, इंटरपर्सनल स्किल्स उसके पास कौन कौन सी हैं, और इमोशनल एबिलिटी, वो इमोशनली किस तरह से स्ट्रांग है, वो किस तरह से अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है, एंगर को कंट्रोल किस तरह से कर सकता है। तो ये बेसिकली उसमें चेक किया जाता है। उसके बाद है परफॉर्मेंस टेस्ट। इसमें नॉलेज चेक, स्किल्स, स्पीड ऑफ एक्यूरेसी जॉब लाइक टाइपिस्ट एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर्स। इसमें आपने उसकी परफॉर्मेंस चेक करनी है, उसका नॉलेज चेक करना है कि उसके पास उस काम को करने का नॉलेज कैसा है। फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकल जॉब है, टाइपिस्ट की जॉब के लिए आप एक पर्सन को हायर कर रहे हैं, तो उसकी स्पीड ऑफ एक्यूरेसी कितनी, वो कितनी एक मिनट के अंदर कितने वर्ड्स को टाइप कर सकता है और कितनी एक्यूरेसी के साथ उसको टाइप करता है। ये परफॉर्मेंस टेस्ट के अंदर उसको चेक किया जाता है बाकायदा से, उसके नॉलेज को एनालाइज किया जाता है कि उसके पास इसको हैंडल करने का नॉलेज है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट जॉब्स हो सकती हैं जिस पे ये टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट अप्लाई किए जा सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं जी इंटरव्यू पे। इंटरव्यू बेसिकली एक प्रोसेस जहां से आप गुजर के उस कैंडिडेट को हायर करते हैं। अब इंटरव्यू डिफरेंट हो सकता है, एक HR मैनेजर भी ले सकता है और अ पैनल ऑफ मेंबर्स भी हो सकते हैं। इंटरव्यू कैन बी कंडक्टेड बाय HR मैनेजर और बाय अ पैनल ऑफ इंटरव्यूअर्स हु आर जनरली एक्सपर्ट्स। Various questions asked to the candidates to check whether candidates fits to the job perfectly. हम ये देखते हैं कि वो इंटरव्यू या HR मैनेजर लेता है या पैनल ऑफ पर्सन एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, वो 3 से 4 लोग हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस कैंडिडेट की एबिलिटीज़ को चेक करने के लिए कि वो इस जॉब के लिए राइट पर्सन है या नहीं है, वो इस जॉब में फिट होता है या नहीं होता। इसको चेक करने के लिए एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, वो एक्सपर्ट्स लेते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के या वो थर्ड पार्टी। तो किस किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं। नंबर 1 इज़ बिहेवियरल क्वेश्चंस, सेकंड 1 इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड पर्सनल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फैमिली एंड एजुकेशन। बिहेवियरल क्वेश्चन में उसका पास्ट एक्सपीरियंसिस का जो बिहेवियर होता है उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के, वो कितनी जल्दी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर्सनल क्वेश्चन बेस्ड ऑन फैमिली, उसकी किस तरह की है, उसकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, वो किस इंस्टीट्यूट से पढ़ा है, ठीक है। और फैमिली में उसके जो है वो रेफरेंसेस किस तरह के हैं, वो किस तरह के बैकग्राउंड से वो बिलोंग करता है। बस इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्या होती है कि रेफरेंस चेक इज डन टू चेक द ऑनेस्टी अबाउट द कैंडिडेट एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट इज राइट आर रॉन्ग। रेफरेंस इसलिए लिया जाता है उस पर्सन की ऑनेस्टी को चेक करने के लिए कि जो उस कैंडिडेट ने इंफॉर्मेशन दी है आइदर वो करेक्ट है या वो गलत इंफॉर्मेशन है। समटाइम फ्रॉड के केसेस आ जाते हैं, वो क्वालिफिकेशन उसकी अकॉर्डिंग टू योर जॉब नहीं होती बट उन्होंने प्रिटेंड किया होता है, जाली डिग्रीज होती हैं, तो उसकी वेरिफिकेशन करने के लिए उनसे उनकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की जाती है, उनसे जो है वो डाटा कलेक्ट किया जाता है जो उन्होंने रेफरेंस प्रोवाइड किए होते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो पॉइंट है वो ये है कि इट रिवील्स फ्रॉड कैंडिडेट्स। जो फ्रॉड कैंडिडेट्स होंगे, जो इस कैलिबर के नहीं होंगे, राइट पर्सन नहीं होंगे, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, उसको एक्सपोज किया जाता है। उसके बाद इट वेरीफाइज एक्यूरेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन। सेकंड ये है कि ये इन्फॉर्मेशन की एक्यूरेसी को वेरीफाई भी करता है कि जो इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट ने प्रोवाइड किया वो सही है या गलत है, क्योंकि डिफरेंट कैंडिडेट्स काम कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और हर कैंडिडेट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो हर एक की इन्फॉर्मेशन को आपको रेफरेंसेस के थ्रू ही वेरीफाई करना पड़ता है। उसके बाद आपके पास आ जाती है फाइनल सिलेक्शन। फाइनल सिलेक्शन क्या होती है? फाइनली जॉब ऑफर लेटर्स इज गिवन टू द कैंडिडेट्स हु इज फाइनली सिलेक्टेड फॉर द जॉब। आप फाइनली उसको एक लेटर दे देते हैं कि आपको इस जॉब पे हायर कर लिया गया, आपको इस जॉब पे सिलेक्ट कर लिया गया है, आप जो है ज्वाइनिंग दे सकते हैं और अपने काम को परफॉर्म कर सकते हैं। Job offer letter contains the details of your job like salary, date of joining and job designation। Job offer letter में जॉब की सैलरी के अबाउट डिटेल होती है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखी हुई होती है एंड जॉब डेजिग्नेशन के आप किस डेजिग्नेशन पे आपको हायर किया गया है, आपको कितनी सैलरी अवार्ड की जाएगी और आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है। फाइनल सिलेक्शन के अंदर जो आपको एक लेटर दिया जाता है उसमें ये इन्फॉर्मेशन रिटर्न होती है और ये लिखा जाता है। उसके बाद आपके पास है फिजिकल एग्जामिनेशन। जब आपको जॉब पे हायर कर लिया जाता है, आपको लेटर दे दिया जाता है, तो आपको फिजिकली एग्जामिन किया जाता है आपको कि आप मेडिकली फिट हैं या नहीं। कैंडिडेट्स हैज टू सबमिट मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय द मेडिकल प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर। डॉक्टर्स आपको एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं, वो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हो सकते हैं, जो आपने सबमिट करवाना होता है कि ये प्रूव करता है कि आप मेडिकली फिट हैं और अपनी जॉब को परफॉर्म कर सकते हैं। और इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट्स सर्टिफाइज दैट द कैंडिडेट इज फिजिकली फिट टू वर्क इन द कंपनी, ये भी प्रूव करता है मेडिकल सर्टिफिकेट्स कि ये फिजिकली फिट है पर्सन और अपनी जॉब को इस ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यू कर सकता है। उसके बाद है फिजिकल एग्जामिनेशन इन्वॉल्व्स कंप्लीट बॉडी चेकअप बाय डॉक्टर। इसमें आपके हेड से लेके लेग तक, आपके फुट तक जो है वो ईच एंड एवरीथिंग आपकी मेजर की जाती है कि कहीं पे ये इनफिट तो नहीं है, इसको कोई इंटरनली प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो उसको चेक किया जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर। तो इसके बाद बेसिकली लास्ट पे आपके पास आ जाता है प्लेसमेंट। आपको एक फाइनल लेटर ऑफर किया जाता है, वो इस बात की तस्दीक करता है, वो इस बात को वेरीफाई करता है कि आपकी फाइनली सिलेक्शन कर दी गई। फाइनली कैंडिडेट इज पोस्टेड ऑन अ जॉब इन द कंपनी। फाइनली आप पोस्ट कर दिए जाते हो एक जॉब पे और आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अबाउट बता दिया जाता है। सीनियर ऑफिसर विल असाइन अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द कैंडिडेट। कैंडिडेट को स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बताया जाता है कि इस जॉब पर रहते हुए आपने कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करनी है और उसका सीनियर उसको गाइड करता है। Placement helps the new recruits to understand about their job and the company expectations from them. Placement जो होती है ये इसमें भी help out करती है कि जो new recruiters होते हैं उसको understand करने में कि वो कंपनी उनसे किस तरह का quality of work expect करती है, कंपनी की expectations क्या हैं and how they can fill the company's expectations and fulfill the company's expectations. उसके बाद कैंडिडेट हैज़ गिवन फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर ऑन द डे ऑफ ज्वाइनिंग विच इंडिकेट फाइनल प्लेसमेंट। और लास्ट डे उसको जो है वो फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है जो इस बात को इंडिकेट करता है कि उसको प्लेस कर दिया गया है उस जॉब पे, लेके ऑनवर्ड जो है वो काम करेगा और उसकी फाइनल प्लेसमेंट उसकी कर दी गई है। जहाँ पे उसको पोस्ट करना था, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको बतानी थी, वो अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है जहाँ जिसपे डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखी हुई होती है और वो अपना काम को कैरी करना शुरू कर देता है। तो ये बेसिकली एक प्लेसमेंट का प्रोसेस है। तो इस सारे प्रोसेस को हम सिलेक्शन प्रोसेस बोलते हैं और इसमें हमने सिलेक्शन को देखा है और सिलेक्शन प्रोसेस को डिस्कस किया है कि सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।